ऐ मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर। हैप्पी संडे टू ऑल माय वंडरफुल पीपल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नए साल की पहली मुलाकात इस प्रोग्राम में आपकी अपनी रेडियो होस्ट चित्रा के साथ, बनारस के नंबर वन शो गुड मॉर्निंग बनारस में। दोस्तों, भले आज 22वां दिन हो इस साल का और महीना हो पहला, बट ट्रूली सेड आपसे मिलने का जो एंथुजियाज्म है ना, वो एज इट इज है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए किसी ने क्या खूब कहा है कि साल बदला तो क्या, खुद को बदलो तो कुछ बात बने। ईश्वर से सुख शांति मांगने वालों, दुख में भी मुस्कुराओ तो कोई बात बने। साल अच्छा या बुरा हम बनाते हैं, हर दिन अच्छा काम करो तो कोई बात बने। इस साल भी सूरज चांद तारे सब चमकेंगे, हम किसी का जीवन रोशन करें तो बात बने। अपने काम की उम्मीद क्यों पालना, दूसरों के काम आए तो कोई बात बने। अच्छे जीवन की प्रार्थना से कुछ नहीं होता जनाब, जीवन जीने का ढंग सुधारो तो कोई बात बने। बीते कल का दुख आते कल की चिंता से क्या मिलेगा, इस पल में जियो तो कोई बात बने। साल बदलने से कुछ नहीं होता, सोच बदलो तो हर बात बने। इन्हीं इंस्पिरेशनल थॉट्स के साथ प्रोग्राम में आइए सुन लेते हैं ये ब्यूटीफुल सॉन्ग। विल बी बैक वेरी शॉर्टली। गुड मॉर्निंग बनारस। वेलकम बैक गाइस, आज है 22 जनवरी 2023। स्टूडियो की घड़ी में 7:05 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर वन शो गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी अपनी रेडियो होस्ट चित्रा के साथ। आज है संडे यानी रविवार। संडे की मॉर्निंग
ठंड और गर्मा गर्म चाय की चुस्की, ना ऑफिस जाने का झंझट, ना बच्चों को स्कूल जाने की चिक चिक, देर तक सोना और मन चाहे चीजों का खाना, भाई वाह, यही तो है जन्नत। क्या आपको पता है संडे मनाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन भारत में जो कहानी प्रचलित है वो हम आपको बताते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में बड़ा मजदूर वर्ग सातों दिन काम करते थे। इसमें मजदूरों की हालत बिगड़ती जा रही थी। इतना ही नहीं, इन्हें खाना खाने यानी लंच के लिए समय ही नहीं मिलता था। करीब 1857 में मजदूरों के नेता मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों के हक के लिए आवाज उठाई। उन्होंने ये तर्क दिया कि सप्ताह में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब मजदूर आराम करने के साथ साथ खुद को वक्त दे सके। माना जाता है इसके बाद 10 जून 1890 को मेघाजी लोखंडे का प्रयास सफल हुआ और अंग्रेजी हुकूमत को रविवार के दिन सबके लिए छुट्टी घोषित करनी पड़ी। तो बनारस आजादी ही नहीं, रविवार भी हमें स्ट्रगल से ही मिला है। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं देश दुनिया और अपने शहर बनारस के बारे में क्या कुछ है खास। सबसे पहले अपने शहर बनारस की बात करते हैं। अपने शहर में आजकल इतने आयोजन प्रयोजन चल रहे हैं कि भाई क्या कहने। इसी पर हम आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से केंद्रीय विभागों में ग्रुप सी के अंतर्गत मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के 10,880 और हवलदार के 529 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। SSC MTS की परीक्षा 2022 के माध्यम से कुल 11,409 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिसकी लास्ट डेट 17 फरवरी है और अधिक जानकारी के लिए इनके साइट पर आप विजिट कर सकते हैं। जिला कैरम एसोसिएशन की ओर से सिंह निकेतन मलदैया में 3 दिवसीय रामाज्ञा सिंह स्मृति शीतकालीन कैरम लीग शुरू हुई है। पहले दिन महिला वर्ग में अंजलि केशरी, ऋषिता केशरी, सौम्या यादव, शिखा सिंह, रितंबरा ने जीत हासिल की। पुरुष वर्ग में धीरज सोनी, प्रियांशु सिंह, तेजस मिश्रा, प्रखर जायसवाल, अरविंद त्रिवेदी ने मैच जीता। इन सभी जीते हुए कंटेस्टेंट को ढेर सारी बधाइयां। अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश की कंपनियों ने भारत बनारस में 47,182 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इसके अकेले बनारस में उद्यमियों के 7,000 से 8,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव शामिल है। CM योगी समेत प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रियों के देश विदेश के दौरे में कई कंपनियों ने बनारस में निवेश की इच्छा जताई है। इन कंपनियों ने ऊर्जा क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश 22,800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। उद्योग विभाग व इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से बताया गया है कि जर्मनी, ब्रिटेन, साउथ कोरिया समेत अन्य देशों के अलावा बेंगलुरु, मुंबई की कंपनियां भी यहां निवेश करेंगी। पर्यटन क्षेत्र में 11,346 करोड़, रियल स्टेट में 2,868 करोड़, MSME सेक्टर में 3,826 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आया। इसके अलावा डेयरी उद्योग में 70 करोड़ रुपए, वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र में 205 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य क्षेत्र में 959 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव आया है। टोक्यो की कंपनी टकोका फुनुकोवा ने 557 करोड़ से निप्पन फार्मास्यूटिकल्स नाम से अस्पताल खोलने का प्रस्ताव रखा है। और रोमा बिल्डर्स की ओर से शूल टंकेश्वर के पास रिसोर्ट बनाने की योजना के साथ करार कर लिया गया है। UP के 4 शहरों लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर ने G20 के 11 सम्मेलन होने होंगे। हमारे बनारस शहर में 6 सम्मेलन होंगे, आगरा में 3, लखनऊ, नोएडा में 1-1 प्रस्तावित है। पहला सम्मेलन 17 से 19 अप्रैल के बीच होगा जिसमें कृषि से जुड़ी उच्चाधिकारियों की बैठक होगी। सम्मेलनों में जनता को जोड़ने के लिए विविध आयोजन किए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर
दौड़ तक होगी, खेल व योग प्रतियोगिताएं आयोजित करी जाएंगी। G20 के विभिन्न विषयों पर स्कूल कॉलेजेस और विश्वविद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिताएं होंगी। अप्रैल से अगस्त तक होने वाली G20 सम्मेलन में आयोजन को जोड़ने के लिए शुक्रवार को काशी में रन फॉर G20 वॉकथॉन आयोजित हुआ। अब थोड़ी साफ सफाई की बात जान लेते हैं। गंगा सफाई में मिले कचरे से कहीं और गंदगी ना हो, इसके लिए काशी के कुछ युवा कचरे से घर सजाने का सामान बना रहे हैं। कूड़ा बाजार नाम से स्टार्टअप शुरू करने वाली ये टीम ऐसी चीजें बना रही है जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल हो। भाई वाह, अगर युवा ऐसे ही इनोवेटिव हो जाए तो देश ही क्या पूरी दुनिया की काया पलट हो जाए। इनके जज्बे को सलाम। ग्रीन एनर्जी संदेश देने के लिए रविवार को यानी आज रवि घाट से नमो घाट तक CNG बोट रैली निकाली जाएगी। रैली को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, राज्य मंत्री रामेश्वर तेली व प्रदेश के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री AK शर्मा रवाना करेंगे। पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार आधी रात के बाद मौसम ने करवट ली। शनिवार की भोर से सुबह तक जिले के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग कार्यालय ने जिले में 1.88 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। बारिश के बाद मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री तक बढ़ गया, जिससे गलन में थोड़ी राहत है। जानकारों का कहना है कि ये बारिश मौसमी फसलों के लिए बेहद उपयोगी है। मौसम विभाग की बात करें तो उनके अनुसार 27 जनवरी तक मौसम गड़बड़ रह सकता है, तो अपना ख्याल रखें। और अब बात कर लेते हैं देश दुनिया की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ने 8 विकेट से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों के इस सीरीज को 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। रायपुर में भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया। न्यूजीलैंड में पहले बैटिंग करते हुए 109 रन का टारगेट रखा। भारतीय टीम ने इसे 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। भारत ने इस मैच को 8 विकेट से जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। दोस्तों, आजकल हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है, अगर आप मैच इसका फॉलो कर रहे हैं तो भारत और न्यूजीलैंड का मैच आज खेला जाएगा, तो जिसे आप भूल लेना, देखने जरूर इस मैच को देखें। भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW ने शुक्रवार को 17 राज्यों के 56 बच्चों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कृत बच्चों में लोगों को डूबने से बचाने वाले 2 लड़के और जलती हुई गाड़ी से 4 बच्चों को बचाने वाली पंजाब की 1 लड़की भी शामिल है। ICCW ने कहा कि 2020 के 22, 2021 के 16 और 2022 के 18 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। ICCW के 6 अन्य विशेष पुरस्कारों में मार्कंडे पुरस्कार, प्रहलाद पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, अभिमन्यु श्रवण व ध्रुव पुरस्कार भी शामिल है। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका भारत सोने के आभूषणों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहां स्वर्ण आभूषणों की खपत सबसे ज्यादा होती है। भाई, बात सोने या गोल्ड की हुई तो भारत सोने के मामले में बहुत आगे है। दोनों तरह की सोने की बात हम कर रहे हैं, गोल्ड हो या स्लीपिंग। भाई, ये तो रही मजाक की बात। आपको बता दें, आज कल शादी ब्याह का सीजन है, फिर से शुरू हो गया है, गोल्ड की खपत तो बढ़नी ही है। तो बता दें, आजकल गोल्ड का भाव लगभग 57,000 पर 10 ग्राम है। अगर आप के घर में कोई शादी ब्याह है तो आप जाकर के इसे ले सकते हैं। और अब चलते चलते आपको बता दें, उत्तराखंड में बीते रात शुरू हुई बर्फबारी, बारिश की वजह से जोशीमठ की दोहरी मुश्किल पैदा हो गई है। बारिश के कारण जल स्राव बढ़ने से जहां वैज्ञानिकों के सामने चिंता पैदा हो गई है, बर्फबारी से सर्वे का काम धीमा हो गया है। दोस्तों, जोशीमठ की घटना इस बात पर हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम प्रकृति से कितना दूर हो चुके हैं, जिस कारण ऐसी भयावह घटनाएं होती हैं। विकास के नाम पर अंधाधुंध
पेड़ों को काटना, एनवायरनमेंट का दोहन करना इसका प्रमुख कारण है। करना सिर्फ सिंपल सा एक काम है, हमें प्रकृति के सानिध्य में रहकर जो भी डेवलपमेंट करना है वो करना चाहिए। फिर चाहे प्रकृति का ख्याल रखना हो या खुद का ख्याल, हमें नेचर के साथ बैलेंस बनाते हुए जो भी सीजन का फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, उसका सेवन करना चाहिए। जैसे इस समय ठंड और चेंजिंग वेदर है जो हमें बीमार कर रही है, लेकिन हम अपने अच्छे डाइट से अपना हेल्थ ठीक रख सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सूप, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि सब खा करके। भाई बातें तो बहुत सारी हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, लेकिन समय अब कहता है कि अब प्रोग्राम आज का समाप्त करना चाहिए। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7:20 पर सुनेगा प्रादेशिक समाचार, और सुबह 8:45 पर मधुरिमा प्रोग्राम सुनना भूलिएगा नहीं। अपना फीडबैक दीजिएगा pkldar@varanasi.gmail.com पर। तब तक के लिए आपको छोड़े जा रहे हैं इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ, अगले प्रोग्राम के वादे के साथ। अपनी रेडियो होस्ट चित्रा को दीजिए इजाजत। टिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड कीप लिसनिंग। आपकी वाणी आकाशवाणी।